हेलो बच्चों, वेलकम टू करियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी। हम डिस्कस कर रहे थे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस फिजिक्स के। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, देखो आज का हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के कुछ क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करने वाले हैं आज, ठीक है। तो साथ साथ बने रहें, हर क्वेश्चन को आप ट्राई करें। अगर आपको हल्का सा भी हिंट है, हल्का सा भी आपको क्वेश्चन लगता है कि हो जाएगा, तो पॉज करें, ठीक है। पॉज करके उसको ट्राई करें, फिर आप इसका सॉल्यूशन देखें। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड विद इट्स वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एंटर करता है, ठीक, तो एंटर करेगा विद इट्स वेलोसिटी, तो उसकी कुछ वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एंटर करता है, कुछ इस तरह से देख लो, ठीक है। फिर आपसे ऑप्शन पूछा है, तो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, और ये एंटर कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस मैं ऐसे मान लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ई, इसका अमाउंट ई मान लूँ और डायरेक्शन में मान लेता हूँ आई कैप, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसी डायरेक्शन में अपनी वेलोसिटी लेकर एंटर करता है, ठीक है। अब सोचो, अब आगे देखो, फर्स्ट क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन का ऑप्शन क्या है, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी सर्कल। सर्कल के लिए तो परपेंडिकुलर फोर्स सही है, वो है ही नहीं, गलत ऑप्शन। पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी पैराबोला, ये भी नहीं है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ डिक्रीज विल डिक्रीज जस्ट आफ्टर द एंट्री। अब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज होगी और यहाँ पे इंक्रीज होगी। अब आपको ये सोचना है कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है। अगर फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, तब तो वो एक्सीलरेट होता है, और अगर फोर्स की डायरेक्शन जो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स है उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट हुई, तो इलेक्ट्रॉन डीएक्सेलरेट होगा, तब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो इलेक्ट्रॉन है, तो मैं फोर्स की बात करूं, फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू ई। फोर्स क्या होता है, एफ इक्वल्स टू क्यू ई, ठीक है। तो फोर्स हमें निकालना है, इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा माइनस ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया मैंने ई आई कैप, ठीक है। इसका मतलब जो फोर्स होगा उसके आगे माइनस आया, मतलब फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा, और अपोजिट फोर्स अगर है, इसका मतलब जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे वो अपोजिट लगेगा इस तरह से। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगा ड्यू टू माइनस साइन ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फिर इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, सी, थर्ड ऑप्शन राइट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन आर सेट फ्री इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन। इलेक्ट्रॉन प्रोटोन दोनों फ्री हैं, तो आपको बताना है उनका एक्सेलरेशन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, उनके एक्सेलेशन। अब एक्सेलेशन की बात करें, दोनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम है, आर सेट फ्री इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब दोनों पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब फोर्स होता है क्यू ई, ये तो सबको पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है, क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज भी सेम होता है? बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, इलेक्ट्रॉन का माइनस में, प्रोटॉन का प्लस में। तो फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स और प्रोटॉन पे लगने वाला फोर्स दोनों सेम होंगे, एफ पी, तो ये आ गया ई ई, ठीक है। दोनों पर लगने वाला फोर्स सेम होगा। अब एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स तो दोनों पे सेम है, तो एक्सेलेरेशन डिपेंड करेगा मास पर, वो भी कैसा, इनवर्सली। हमें चाहिए पहले किसका, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलेरेशन अपॉन प्रोटॉन का एक्सेलेरेशन, तो यहाँ पर आ गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर आ गया मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एक्सेलेरेशन ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, एम पी अपॉन एम ई, करेक्ट ऑप्शन है थर्ड सी, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट देख लो, जो भी क्वेश्चन आता है रुक के ट्राई करें, फिर आप आगे बढ़ें। अ पार्टिकल ऑफ मास एम चार्ज क्यू इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर टाइम टी विल बी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए पूछा है, सबसे पहले पढ़ो, मास क्या है, एम है, चार्ज क्या है, क्यू है, रिलीज किया है इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रेस्ट में, तो यू तो क्या होगा इसका, जीरो है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में रेस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इसको रिलीज करोगे तो फोर्स क्या लगेगा, वो सबको पता है, वो क्या होगा, क्यू ही होगा, ठीक है। फोर्स आ गया, तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स क्यू ई है, तो क्यू ई अपॉन एम कर दिया हमने, ठीक है। अब टी टाइम बाद इसकी एनर्जी पूछिए, तो टी टाइम बाद एनर्जी पूछिए, तो टी टाइम बाद वेलोसिटी निकालें पहले, वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, टी टाइम बाद वेलोसिटी क्या होगी,
तो v इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है u प्लस ए टी। अब u तो है जीरो है, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए टी। ठीक है, v की वैल्यू ए टी, और a की वैल्यू हमें पता है वो है क्यू ई अपॉन एम इन टू टी, राइट। तो v आ गया, हमें क्या चाहिए थी, हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो v की जो ये वैल्यू है आपके पास, इसको आप यहाँ पर स्क्वायर के साथ पुट कर दें, तो एम बाई टू, वी की वैल्यू है क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। अब एम स्क्वायर करेंगे तो एम से एम कट जाएगा, ये कैंसिल, ठीक है। तो आंसर आया क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन टू एम। अब आपको करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है इसमें कौन सा है, बी है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी से हम जाएंगे काइनेटिक एनर्जी पे, और वी निकालने के लिए हमें चाहिए होता है एक्सेलेरेशन, वो हमने यहाँ पे निकाल दिया। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इजी क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप करना है आपको, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट अगला देखो, चार्ज क्यू इज प्रोजेक्टेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन इट सफर्स अ डिस्प्लेसमेंट वाई अलोंग द डायरेक्शन अलोंग द फील्ड डायरेक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो फील्ड डायरेक्शन में है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मान लिया ई है ऐसे, तो मैं डायरेक्शन सपोज कर रहा हूँ आई डायरेक्शन में है, और डिस्प्लेसमेंट जो है इसका वो है वाई, वो भी उसी डायरेक्शन में है। हमें क्या निकालना है, वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स होता है क्यू ई डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो क्यू ई, ठीक है, ई की वैल्यू हमें पता है ई, और डायरेक्शन आई कैप है, डिस्प्लेसमेंट वाई है, डायरेक्शन आई कैप है, तो आई डॉट आई वन हो जाता है, वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी क्यू ई वाई, क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन राइट। अगर एंगल 90 डिग्री होता तो वर्क डन जीरो होता, आपको पता है वर्क डन एफ डी कॉस थीटा, कॉस थीटा, अगर थीटा 90 होता तो कॉस 90 जीरो होता है। जीरो पे वर्क डन के बहुत सारे केसेस में आंसर जीरो भी आपने देखा होगा, ठीक है। तो ध्यान से करें इसको, डायरेक्शन देखकर आप करेंगे। अगला देखो, द फिगर बिलो, ये फिगर दे रखा है, ठीक है। इसमें पहले पार्टिकल का पाथ आपको गिवन है, द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वन थ्रू अ रेक्टेंगुलर रीजन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट आर द डायरेक्शन मूवमेंट ऑफ 2, 3, 4। अब आपको 2, 3, 4 की डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो आप, 2, 3, 4 की डायरेक्शन बतानी है। ये जो सेकेंड वाला है, ये सेकेंड पार्टिकल जो है ये वाला, ये किस डायरेक्शन में जाएगा, फर्स्ट पार्टिकल अगर प्लस का है और वो ऊपर की तरफ जा रहा है, टॉप की तरफ, ठीक है, प्लस का पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बता दूँ, मुझे लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा, इसलिए फोर्स जो लगेगा फर्स्ट पर वो ऊपर की तरफ लगेगा, इसलिए वो उसको टर्न कर देता है, डेविएट कर देता है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो फर्स्ट पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा, फर्स्ट पार्टिकल पे वो हो जाएगा प्लस का क्यू ई, डायरेक्शन ले लेता हूँ जे कैप, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को लग रहा है यहाँ पर मैंने लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड जे डायरेक्शन में है, क्योंकि फर्स्ट पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज वाला ऊपर की तरफ मुड़ गया। अब सेकेंड पार्टिकल देखो माइनस का है, तो सेकेंड पार्टिकल पर फोर्स कहाँ लगेगा, माइनस क्यू ई ये आएगा, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, माइनस जे कैप, मतलब नीचे की तरफ, तो सेकेंड पार्टिकल तो जाएगा नीचे की तरफ, ये सेकेंड पार्टिकल जब एंटर होगा तो ये टर्न कर जाएगा डाउनवर्ड्स, ये नंबर तो आ गया सेकेंड वाले का, फर्स्ट वाला ऊपर जा रहा है, सेकेंड वाला नीचे चला जाएगा, क्लियर है। तो अब थर्ड और फोर्थ की पोजिशन भी बतानी है आपको, थर्ड और फोर्थ की, ठीक है। अब थर्ड में देखो आप, थर्ड पार्टिकल पॉजिटिव है और पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है लेफ्ट, यहाँ देखना ये फर्स्ट पार्टिकल है, ये राइट में मूव कर रहा है, थर्ड वाला लेफ्ट में मूव करता है, ठीक है। उस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स कहाँ लगेगा बताओ, फोर्स की डायरेक्शन की बात करें अगर, तो आप देखो इधर फोर्स की डायरेक्शन जो लगेगी थर्ड पार्टिकल पे F3, ये चार्ज आ गया इसका प्लस का, प्लस का चार्ज है, प्लस का क्यू ई, डायरेक्शन आ गई जे कैप, ठीक है। तो जो थर्ड पार्टिकल है, थर्ड पार्टिकल ये आप देखोगे कहाँ जाएगा भाई, तो जो सेकंड का तो हमने क्लियर कर लिया, थर्ड का हमें बताना है कि थर्ड टॉप पर जा रहा है, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ठीक है। फिर फोर्थ का भी देखो, डाउन टॉप डाउन डाउन दे रखा है आपको। अब थर्ड वाले का देखें अगर हम, तो थर्ड वाले पर फोर्स तो लग गया, अब थर्ड वाले का देखो इस तरह से, थर्ड वाला पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है,
वी की डायरेक्शन ये रही, ठीक है, और फोर्स जो लगेगा वो लगेगा इस पर अपवर डायरेक्शन में ऐसे, क्लियर। तो फोर्स इस अपवर डायरेक्शन में ऐसे लग रहा है, 90 डिग्री का एंगल है, होगा तो सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पर मुझे बताओ कि ये जो थर्ड पार्टिकल है ये टर्न कहाँ होगा, नीचे की तरफ टर्न होगा कि ऊपर की तरफ टर्न होगा? थर्ड पार्टिकल जो पॉजिटिव है और इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, ये तो हो गई वेलोसिटी, ठीक है, और फोर्स लग रहा है इस तरफ, ये लग गया फोर्स जो अपवर डायरेक्शन में है। फोर्स और वेलोसिटी डायरेक्शन क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सर्कुलर मोशन कैसे होगा, सर्कुलर मोशन कैसे होना चाहिए बताओ, इसमें थर्ड पार्टिकल में सर्कुलर मोशन की डायरेक्शन क्या होगी, इसमें सोचो थोड़ा सा। थर्ड पार्टिकल के लिए सर्कुलर मोशन की डायरेक्शन होगी या सर्कुलर पाथ जो होगा वो कैसे और कहाँ मूव करेगा, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल आपसे पूछा है, थर्ड पार्टिकल के लिए आपसे पूछा है मूवमेंट, और फोर्थ के लिए पूछा है, ठीक है। तो थर्ड वाला बताओ फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ, ठीक। तो थर्ड वाला फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, क्लियर है। तो बताओ जल्दी से डायरेक्शन क्या होनी चाहिए थर्ड की, थर्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। फोर्स कहाँ लगता है, हमेशा फोर्स लगता है, अगर परपेंडिकुलर फोर्स होता है ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगता है, हमेशा सेंटर की तरफ। तो इसका मतलब सेंटर इसका कहीं यहाँ होगा, तो थर्ड पार्टिकल क्या होगा, यूं इस तरह से घूम जाएगा। तो थर्ड पार्टिकल जो आएगा वो इस तरह से आएगा और इधर घूम जाएगा, ठीक है। फिर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ पार्टिकल पर फोर्स कहाँ लगेगा, ये थर्ड पार्टिकल था, अब मैं फोर्थ पार्टिकल की बात करूँ, नेगेटिव है, इसकी वेलोसिटी ऐसे है, फोर्स लगेगा फोर्थ पार्टिकल पे डाउनवर्ड। आपको पता है फोर्थ पार्टिकल का चार्ज क्या है, माइनस का क्यू है, तो फोर्थ पार्टिकल पे फोर्स आएगा माइनस क्यू ई, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, इसका मतलब ये सेंटर की तरफ लग रहा है, तो सेंटर यहाँ है तो पार्टिकल क्या होगा, ऐसे टर्न करेगा। तो थर्ड वाला तो हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में, और फोर्थ वाला हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन से हम डिसाइड करते हैं, फोर्स हमेशा लगता है सेंटर की तरफ, ठीक है। फर्स्ट पार्टिकल का सेंटर, फर्स्ट पार्टिकल फोर्स लगा तो सेंटर यहाँ है इसलिए घूम गया, सेकंड पार्टिकल में फोर्स लगेगा नीचे की तरफ तो सेंटर यहाँ है इसलिए नीचे की तरफ घूम गया, थर्ड पार्टिकल में फोर्स ऊपर लगा सेंटर यहाँ है इसलिए ऊपर घूम गया, फोर्थ वाले के पे फोर्स लगा नीचे की तरफ तो सेंटर यहाँ है इसलिए घूम गया, ठीक है। तो बताओ करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट वाला तो जा रहा है, फर्स्ट वाला तो पता ही है चलो, सेकंड वाला कहाँ जाएगा, डाउन, थर्ड वाला टॉप, फोर्थ वाला डाउन, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए, ठीक है। थोड़ा सा डायरेक्शन के लिए इसमें सोचना पड़ता है आपको, चले आगे, नेक्स्ट, अगला आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो। फॉर अ डायपोल द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज 10^-10 स्टैट कूलम, ठीक है, एंड देयर सेपरेशन इज 1 एंगस्ट्रॉम देन डायपोल मोमेंट, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर चार्ज किस में दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है आपको स्टैट कूलम में। अब स्टैट कूलम आपकी कौन सी यूनिट है, स्टैट कूलम आपकी यूनिट है CGS। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए, अच्छा ऑप्शन आपको किस में दिए हुए हैं, ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे हम, क्या स्टैट कूलम को कूलम में चेंज करें, ठीक है, क्या स्टैट कूलम को कूलम में चेंज करें, या फिर आप डीबाई के अकॉर्डिंग चलो। तो डी बाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो यूनिट है वो है डी बाई, तो डी बाई के अकॉर्डिंग क्या कन्वर्ट करना जरूरी है, आंसर दें फटाफट, डी बाई के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना जरूरी है क्या, इसमें डी बाई के अकॉर्डिंग कन्वर्जन जरूरी होता है क्या, डी बाई की वैल्यू क्या होती है, पढ़ा आपने सबने डी बाई की वैल्यू, अगर आपको डी बाई की वैल्यू पता है, अगर आपको डी बाई की वैल्यू पता है तो आप इसको आराम से कर सकते हो। डी बाई को डिफाइन किया था, कैसे डिफाइन किया था, डी बाई को बताया था कि 10^-10 कूलम और 10^-10 स्टेट कूलम, ठीक है, और 10^-10 स्टेट कूलम अगर 1 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पर होते हैं, ठीक है, 10^-10 स्टेट कूलम और दूसरा भी क्या है 10^-10 स्टेट कूलम, अगर ये दोनों 10^-10 स्टेट कूलम 1 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पे हैं तो इनके बीच में जो डायपोल मोमेंट बनता है, डायपोल मोमेंट जो कैलकुलेट होता है उसको बोलते हैं 1 डी बाई, ठीक है। इसको फ्रैंकलिन भी बोला था, चार्ज क्या बोला था, फ्रैंकलिन, चार्ज के डायपोल में पढ़ा था आपने, इसको फ्रैंकलिन भी बोलते हैं, 10^-10 फ्रैंकलिन, तो स्टेट कूलम भी बोल सकते हो, फ्रैंकलिन भी बोल सकते हो,
स्टैट कूलम, और हमने डिफाइन किया था डायपोल मोमेंट में इसको फ्रैंकलिन बोलकर, ठीक है। तो वन डी बाई का मतलब ये होता है, वन डी बाई का मतलब ये होता है कि जब 10^-10 वन एंगस्ट्रॉन्ग की डिस्टेंस पे रखे हों। तो अगर आपको वन डिफाइन का डेफिनेशन ध्यान है तो आप इसको इजीली बता सकते हो, 10^-10 वही फ्रैंकलिन है, वही स्टैट कूलम है, वन एंगस्ट्रॉन्ग के डिस्टेंस पे रखे हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, वन डी बाई डायपोल मोमेंट आता है, ठीक है। और इसको जब हमने कन्वर्ट किया था तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं वन डी बाई की वैल्यू, अगर आप सिंपल स्टेट कूलम जैसे लिखा हुआ है तो आप स्टेट कूलम को कन्वर्ट कर लो, किस में कन्वर्ट कर लो, कूलम में। जैसे आपको डायपोल मोमेंट यहाँ तो लिख दिया आपने वन डी बाई सीधा, क्योंकि आपको पता था ये वन डी बाई की वैल्यू है। मान लो आपको नहीं पता है पी की वैल्यू क्या होती है, चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज कितना है 10^-10 स्टेट कूलम लिख देते हैं, स्टेट कूलम, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी है, 1 एंगस्ट्रॉम, तो मुझे तो दोनों यूनिट समझ में नहीं आ रही, मुझे दोनों को बदलना पड़ेगा, बदल लेते हैं। स्टेट कूलम की बात करें तो 10^-10 वन स्टेट कूलम ये 3×10^9 कूलम होता है, और 1 एंगस्ट्रॉन्ग 10^-10 मीटर होता है, ठीक है। स्टेट कूलम को हमें कूलम में बदलना हो तो आपने पढ़ा था 1 कूलम इक्वल्स टू होता है 3×10^9 स्टेट कूलम। ये रिलेशन तो ध्यान है, अगर आपको डी बाई का ध्यान नहीं है तो ये तो ध्यान है कम से कम। ये तो स्टैटिक कूलम की दो यूनिट पड़ी थी, स्टेट कूलम और सिंपल कूलम, ये एमकेएस में वो सीजीएस में, ठीक है। तो स्टेट कूलम क्या होगा, वन अपॉन 3×10^9 डिवाइड कर दिया, ये लिया है 10^-10 हो गया। अब यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट निकल के आएगा वो आ जाएगा 3.3×10^30 कूलम मीटर। तो आपने अगर कन्वर्ट करके निकालो तो ये वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए, ये वैल्यू किसकी है, वन डी बाई की, ये वैल्यू किसकी है, वन डी बाई इक्वल्स टू क्या लिखा था हमने, 3.3×10^30 कूलम मीटर, ठीक है। तो यूनिट पे भी आपका इक्वेशन ऑब्जेक्टिव इस तरह से बन जाता है। अगला देखो, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल आर प्रोपोर्शनल टू। अब ये सिंपल है, मगर इसके लिए आपको क्या ध्यान होना चाहिए, पोटेंशियल का फॉर्मूला और इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, दोनों का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ा आपने, E इक्वल्स टू क्या होता है, 2 kp/r³, और पोटेंशियल क्या होता है, वो जाता है kp, ठीक है, kp cos θ/r²। तो पहले बात कर रहा है पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल के लिए r² मतलब r-2, और E के लिए r³, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, C, पोटेंशियल के लिए r-2 है और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए r-3, ठीक है। अगला देखो, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल P इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन P एंड E विल द टॉर्क बी मैक्सिमम। जो टॉर्क होता है वो मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क का फॉर्मूला है PE sin θ। अब आपको पता है साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा क्या होगा 90, टॉर्क की वैल्यू आती है P, और इसी को मैक्सिमम टॉर्क कहते हैं, सिंपल है, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 90, ठीक है। तो मिनिमम क्या होगा 0, मैक्सिमम क्या होगा 90, मैक्सिमम 90 पर होता है, मिनिमम 0 पर होता है। अगला देखो, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस एंड इक्वी डिस्टेंस पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। दो पॉइंट है, एक्सिस मतलब एक्सियल, तो एक्सियल के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या है, 2 kp/r³, और दूसरा बोल रहे हैं इक्वेटोरियल के लिए डिस्टेंस इक्वल है तो kp/r³, r दोनों का सेम है, तो जब kp सेम है r सेम है तो क्या रेशियो है, 2:1, पहले एक्सियल है फिर इक्वेटोरियल है, ठीक है, ये तो थ्योरी में पढ़ा है सबने। अगला देखो, फॉर अ डायपोल q 2×10^-6 कूलम d गिवन है, फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर टॉर्क मैक्सिमम जो आपने पढ़ा अभी क्या होता है, PE, थीटा तो 90 रखना है, मगर P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू होती है चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, चार्ज कितना है 2×10^-6 और डिस्टेंस कितनी है 0.01। तो डायपोल मोमेंट हमने निकाल लेते हैं पहले, 0.01 में अगर पॉइंट हटा दूँ तो 100 नीचे डिवाइड हो जाएगा और 10^-2 ऊपर चला जाएगा, तो 2×10^-6
माइनस एट हो गया पी की वैल्यू। अब टॉर्क चाहिए तो टॉर्क क्या होता है पी, मैक्सिमम क्या होता है पी, नॉर्मल क्या होता है पी साइन थीटा। तो 2 × 10⁻⁸ और ई की वैल्यू है 5 × 10⁵। तो ये आंसर क्या आएगा भी, ये तो हो गया 10, ये 5 × 2 = 10, तो 10⁻⁸ और ये हो गया 10⁶, तो 10⁻² बचा न्यूटन मीटर। ठीक है, तो 10⁻² कहाँ है, अब ऑप्शन में, ऑप्शन आता आपको है मगर ऑप्शन करेक्ट आना चाहिए। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, 10 × 10⁻³, ये 0 कम हो जाएगा, -2 बचेगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, इजी है। अब देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर ध्यान से करें, पढ़ें ध्यान से। द पार्टिकल ईच ऑफ मास एम अटैच टू एंड्स ऑफ मासलेस रिजिड नॉन कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ एल, टू पार्टिकल्स कैरी चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, दिस अरेंजमेंट इज हेल्ड इन रीजन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, सो दैट रॉड मेक्स अ स्मॉल एंगल थीटा विच इज लेस देन 5 डिग्री, मतलब SHM के चांस पूरे हैं यहाँ पर। देन द टाइम पीरियड ऑफ द रॉड, ठीक है, अब SHM आपने पढ़ा है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रॉड ले ली, मासलेस रॉड है, दो पार्टिकल ले लिए, एक प्लस का क्यू है एक माइनस का क्यू है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा, रोटेट हो जाएगा। ठीक है, आपको टॉर्क की वैल्यू तो पता ही ना, इसकी टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, टॉर्क की वैल्यू पढ़ी है आपने, जैसे सपोज करें ये प्लस का चार्ज है तो इस पर फोर्स ऐसे लगेगा, ये माइनस का चार्ज है फोर्स ऐसे लगेगा। ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने पढ़ी है, वो डी होती है, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, और डी की वैल्यू आपको पता है, टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स क्या होगा वो तो क्यू ही होगा, और डी क्या होगा, एल साइन थीटा होगा। डायपोल में हमने 2a sin थीटा लिखा था, यहाँ पे 2a की वैल्यू क्या है, l है, दोनों चार्जेस के बीच में गैप कितना है, l ही तो है। ठीक है, अब टॉर्क की वैल्यू देखो ध्यान से, तो qe l sin थीटा, थीटा आपको एंगल स्मॉल दे रखा, तो ये थीटा लिख दिया मैंने, क्यों है, क्योंकि थीटा एंगल स्मॉल है, तो टॉर्क की वैल्यू आ गई आपके पास। अब टॉर्क की वैल्यू आ गई तो टॉर्क इक्वल टू होता है वैसे c थीटा, तो टॉर्क कॉन्स्टेंट कंपेयर करो, इन दोनों कंपेयर करें तो टॉर्क कांस्टेंट सी की वैल्यू क्या आई, टॉर्क कांस्टेंट सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू ई एल। ठीक है, अब बताओ टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√i/c m/k नॉर्मल में, नॉर्मल मतलब सिंपल लीनियर SHM में, और i/c एंगुलर SHM में। तो आई भाई, अब आई क्या होता है, आई यहां पर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई, और इस आई की वैल्यू क्या होगी भी, ये पार्टिकल है, मास इसका एम है, ये भी पार्टिकल मास एम है, चार्ज क्यू है तो मास तो एम है ना, सेंटर ये रहा, तो ये मास सेंटर से कितना दूर है, एल बाई टू पर, तो mr² फॉर्मूला होता है आई का, तो आर कितना हो गया, R हो गया आपका L बाई टू, ये दोनों पार्टिकल यूँ घूमेंगे ना, सेंटर के अराउंड ऐसे घूम रहे हैं, तो जो रेडियस आएगी वो L बाई टू आएगी, सेंटर तो बीच में है ना, टोटल डिस्टेंस L है टोटल, तो सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस क्या होगी, L बाई टू, और सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस वही, तो उसी के लिए अराउंड तो रोटेट हो रहा है, तो रेडियस क्या बनेगी, L बाई टू। अब mr² होता है तो mL² / 4 L बाई टू का स्क्वायर प्लस mL² / 4, पार्टिकल कितने, दो हैं भी, एक थोड़ी है, पार्टिकल दो हैं, तो mL² / 4, तो mL² / 4 प्लस mL² / 4 की बात करें अगर, mL² / 4 कितना होगा, ये आप समझ गए, mL² / 4 और ये भी mL² / 4 है, तो टोटल क्या हो जाएगा, mL² / 8 आ जाएगा, mL² अच्छा 4 + 4 है, mL² / 2 हो जाएगा, 1/4 क्या होगा, हाफ हो जाएगा। अब I की वैल्यू मिल गई है mL² / 2, C की वैल्यू मिली हुई है आपको, टॉर्क कांस्टेंट C की वैल्यू कितनी है, क्यू ई एल, आई की वैल्यू है mL² / 2, तो इन दोनों को कहाँ पुट कर लें, टाइम पीरियड के फॉर्मूले में। ठीक है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको पता है, T = 2π, अब बताओ I की वैल्यू mL² / 2, अब बताओ C की वैल्यू क्यू ई एल, अब L से L तो कटता दिख रहा है, ठीक है भी, L से L तो कट गया, तो बचा क्या, ML / 2 QE और 2π है,
तो 2πml/2qE कौन सा ऑप्शन हुआ, कस्ट फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है इसका, क्लियर। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जरूर इसमें SHM का आया, और ये फॉर्मूला ध्यान रखना है T=2π√i/c, कौन से SHM में, एंगुलर में, और लीनियर में T=2π√m/k होता है। एक मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट है, ये टॉर्क कांस्टेंट है, ये फोर्स कांस्टेंट है। ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं आपको SHM का टाइम पीरियड निकालने के लिए। चलें आगे, नेक्स्ट अगला देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल विल बी, इलेक्ट्रिक डायपोल की वैल्यू क्या होती है आपको पता है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, KP cos θ/r². अब इसमें KP cos θ/r² कहाँ आएगा, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। देखो KP, मैंने क्या किया, cos θ था, एक R ऊपर ले लिया मैंने और एक R नीचे डिवाइड भी कर दिया, तो ऊपर हो जाएगा KP.r कर देंगे ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा R³। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, फर्स्ट ऑप्शन राइट है इसका, क्लियर। अगला देखो, द फोर्स ऑन चार्ज सिचुएटेड ऑन एक्सिस ऑफ डायपोल इज F, इफ द चार्ज इज शिफ्टेड टू डबल डिस्टेंस द फोर्स एक्टिंग विल बी, द फोर्स ऑन चार्ज सिचुएटेड ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल इज F। तो कोई फोर्स या फोर्स जो है कोई चार्ज एक्सिस पर प्रेजेंट है, ठीक है, अगर डिस्चार्ज को शिफ्ट कर दें डबल डिस्टेंस पे, टू द डबल डिस्टेंस द फोर्स एक्टिंग विल बी, डिस्टेंस F है, ठीक है, ठीक। अच्छा ऐसे दे रखा है, देखो डायपोल दे रखा है, ये माइनस क्यू, ये प्लस का क्यू, और सेंटर ये रहा, यहाँ से डी डिस्टेंस पे कोई पार्टिकल रख दिया यहाँ पर, ये रहा, ठीक है, इस पर फोर्स कितना लग रहा है, F लग रहा है, इस पार्टिकल पे फोर्स क्या लगेगा, F। तो F की वैल्यू क्या होती है, चार्ज हो गया क्यू और ये आ गया ई एक्सियल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो आएगी ना इसमें, फोर्स क्या होता है क्यू ई, और ई एक्सियल क्या होता है आपको पता है, 2KP/r³। R की जगह मुझे क्या लेना है, D लेना है, तो मैं D ले लेता हूँ, D³। अब ना चार्ज बदला ना डायपोल, तो फोर्स डिपेंड करेगा डिस्टेंस के Q पर, इलेक्ट्रिक डायपोल में एक्सिस पे कोई चार्ज रखा है तो चार्ज पर लगने वाला फोर्स होगा Q into E की वैल्यू ये थी, ठीक है। तो E की वैल्यू में आपको पता है D का क्यूब आता है, तो इसका मतलब हम लिखें दो फोर्सेस लिखें F1/F2, और F1 के लिए D³ था, डिस्टेंस आपने डबल कर दी तो यहाँ पे 2D³ आ जाएगा। अब 2D³ आपको पता है 8 होता है, और D³ से D³ तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 है F1/F1 की वैल्यू क्या है, F1 की वैल्यू F है, F2 हमें निकालना है, और =8 आया, तो F2 = क्या मिल जाएगा, F2 = मिल जाएगा F/8, ये मिलेगा F2 की वैल्यू। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका, D, F/8, क्लियर। तो डायपोल का फोर्स है, फोर्स F=QE है, और E की वैल्यू इंपॉर्टेंट थी इसमें। अगला देखो, स्मॉल डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्टेंस R फ्रॉम इट सेंटर, मेक एन एंगल थीटा। तो पूछा क्या है इसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है, ये तो आपने पढ़ ही लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला सिंपल है, तो फॉर्मूला बेस्ड है KP cos θ/r², ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल का फॉर्मूला है, ठीक है। अगला देखो, लास्ट क्वेश्चन है अभी वाला, इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय पॉइंट चार्ज, देन एक डायपोल को पॉइंट चार्ज से जनरेटेड होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो। चलो रख लेते हैं, देख लेते हैं भाई, ये पॉइंट चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाता है, आपको पता है रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ऐसे बनाता है, ठीक है। अब डायपोल को इसमें रख दो आप, तो डायपोल रख देते हैं भाई, ये डायपोल रख दिया, डायपोल को कैसे रख सकता हूँ मैं, डायपोल को मैं ऐसे भी रख सकता हूँ, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ठीक है, डायपोल को मैं ऐसे भी रख सकता हूँ, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, कैसे भी रख सकता हूँ, डायपोल को एंगल पे भी रख सकता हूँ। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, कौन सा ऑप्शन सही है वो बताना है आपको। पहला ऑप्शन देखो, द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन डायपोल मस्ट बी जीरो, ये नहीं होगा, ये होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, मगर यहाँ यूनिफॉर्म है क्या, नहीं, यहाँ तो जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जा रही है, तो नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं इसको। तो डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इसलिए इस पर लगने वाला फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा, तो गलत है, ठीक है। इस पर फोर्स कम लगेगा, इस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा,
क्योंकि ये पास है, दूर है, फोर्स तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना। फोर्स एफ इक्वल्स टू क्या होगा, है ना, फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। देखो वन और टू बताओ कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, वन पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है और टू पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो वन पे फोर्स ज़्यादा लगेगा, टू पे फोर्स कम लगेगा। ये बात क्लियर है, फोर्स कभी ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन डायपोल में भी ज़ीरो। अब ज़ीरो कभी होगा नहीं, ना तो कन्फर्म होगा ना कोई पॉसिबिलिटी इसमें ज़ीरो होने की, तो ये भी गलत है। हमेशा फोर्स अलग अलग आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, फोर्स अलग अलग है, ठीक है। इसलिए हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, मे बी ज़ीरो। उसके बाद देखो द टॉर्क ऑन डायपोल ड्यू टू फील्ड मस्ट बी ज़ीरो। अब टॉर्क ज़ीरो होगा, ये पॉसिबिलिटी कैसे भी, टॉर्क का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा। अब टॉर्क मस्ट बी ज़ीरो, हमेशा ज़ीरो होगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं। देखो इसमें पी की डायरेक्शन बता सकते हो क्या है, इसमें पी की डायरेक्शन ये रही, ये पी की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो एंगल क्या है अभी तो ज़ीरो है। यहाँ पे देखो माइनस से प्लस, ये पी की डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट क्या होता है माइनस से प्लस, और ये ई की डायरेक्शन है, दिख रहा है तो आपको, तो यहाँ पे एंगल कितना है 90 है, यहाँ पे एंगल ज़ीरो है या 90 है, ठीक है। तो इस केस में तो टॉर्क मैक्सिमम होगा, इस केस में ज़ीरो है, राइट। इस केस में आप कह सकते हो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो, और इस केस में टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम। तो टॉर्क हमेशा ज़ीरो होगा ये कहना तो गलत होगा, टॉर्क फील्ड मस्ट भी ज़ीरो होती तो गलत हुआ। तो फिर लास्ट ऑप्शन बचा हमारे पास, द टॉर्क ऑन डायपोल ड्यू टू फील्ड मे बी ज़ीरो। मे बी ज़ीरो मतलब इस केस में, इस केस में नहीं होगा, इस केस में मैक्सिमम है, इस केस में ज़ीरो है, पैरेलल के केस में। करेक्ट ऑप्शन डी इम्पॉर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन करने के लिए आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप कन्फ्यूज होने का चांस कन्फर्म है, इसमें कन्फ्यूज हो जाओगे। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे साथ बने रहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है टॉपिक वाइज चलती रहेगी, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और अगर आप ये चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो अपने फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो पहले सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन गुड बाय।